देखिए गाइस, धनिया की पंजीरी लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये देखिए कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनी हुई है। इसको आपको ना मिक्स करने का झंझट है, ना पीसने के बाद भूनने का झंझट है। इसको देखिए कैसे हम बनाते हैं, बहुत यम्मी से, बहुत टेस्टी रेसिपी, धनिया की पंजीरी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी, कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया की पंजीरी, जो कि लड्डू गोपाल जी को बहुत 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 पसंद है। तो ये देखिए धनिया, और एक बात, इसमें मिक्स करने का भी झंझट नहीं रहेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये हमने एक कटोरी धनिया ले ली है अपनी, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमने बादाम और किशमिश अपने धुल लिए हैं। तो पहले बादाम को भूनेंगे और फिर किशमिश को भून लेंगे, इसमें डाल के रोस्ट करेंगे। एक बात और गाइस, इसमें ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। जो हमें समझ में आया वो हमने लिया, आपके पास जो भी हो अवेलेबल वो आप ले सकते हैं। तो इनको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए बादाम हमने निकाल लिए हैं और अपनी ये किशमिश जो है उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये हम भोग बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसको धुला था, तभी ये इतना चटक रहा है। जैसे ये भी हो चुकी है तो इसको भी निकाल के रखेंगे। अब इसमें अपनी धनिया ऐड करेंगे, इसको भी हम भून लेंगे। देखिए सारे बना, पहले वो करते हैं, पीस लेते हैं धनिया को, उसके बाद रोस्ट करते हैं, ठीक है। हमने पहले ही रोस्ट करने के लिए रख लिया है, तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से, फिर हम इसको पीसेंगे। ये देखिए गाइस, धनिया हमारी भून चुकी है। तो अब इसमें हम ये डेसिकेटेड नारियल डाल देंगे। आपके पास डेसिकेटेड नारियल ना हो अगर, तो आप उस तरह का खोपरा जो आता है नारियल गोला, उसको भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इसको एक मिनट भूनेंगे खाली, 2 मिनट धनिया भूनी और 1 मिनट नारियल के साथ भून लेंगे, और फिर इसको हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए नारियल से स्मेल बहुत अच्छी सी आंधी आने लगी है, नारियल और धनिया से। तो इसको अब हम बंद करेंगे और इसको ठंडा करके फिर पीसेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा ये ठंडा धनिया ठंडी हो चुकी है। तो ये देखिए हाफ कटोरी हमने चीनी ली हुई है, आप अपने स्वाद के अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। और जो ये मिश्रण है हमारा, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर ग्राइंडर चला लेंगे, यानी पीस लेंगे इसको। एक बात और गाइस बताना भूल गए, देखिए इसको धनिया को अच्छे से ठंडा करके तभी ग्राइंडर में डालिएगा, वरना ग्राइंडर में चीनी है और ग्राइंडर जब चलेगा तो थोड़ा सा हीट होगा, तो चीनी मेल्ट हो सकती है। इस वजह से इसको ठंडा ही करके आप इसमें ऐड करें, ठीक है। तो उसको ग्राइंड करते हैं, फिर मिलाते हैं। देखिए गाइस, देख सकते हैं ना मिलाने का झंझट ना कुछ। ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है हमारा, और ये बहुत अच्छे सी पंजीरी बनकर रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, लड्डू गोपाल के लिए धनिया की पंजीरी बन चुकी है। ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी होती है, और हमने इसको तुलसी की पत्ती से कर दिया है गार्निश, और बादाम, किशमिश और इलायची से भी। तो आज की हमारी ये रेसिपी, आप लोग खुद बताइएगा कि ये कैसे लगी। और आप लोग प्लीज, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।